कोरोना काल में एक ओर जहां पुलिस अधिकारी और कर्मचारी दिन रात फील्ड पर डटे हैं और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं, यदि कोई बेवजह सड़कों पर घूमता मिलता है तो उसे रोकते भी हैं और टोकते भी हैं। पुलिस का नाम सुनते ही जहन में दबंग की छवि बनती है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो इस कोरोना काल में दबंग के साथ देवदूत बने हैं। ऐसे ही एक पुलिस अधिकारी है राजधानी भोपाल के किशोर सिंह परिहार, जो CIG थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। इनका सपना है कि सभी खुश रहें और कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। पिछले एक साल से किशोर सिंह परिहार लगातार अपने घर में अपनी पत्नी की सहायता से कपड़े का मास्क बना रहे हैं और इसे पुलिस कर्मियों को और साथ ही जरूरतमंदों को बांटते रहते हैं, ताकि लोग कोरोना महामारी से बच सकें। इतना ही नहीं, किशोर सिंह परिहार पिछले 21 दिनों से सभी अस्पतालों में, साथ ही जिन भी जगहों पर लोगों को खाने की आवश्यकता होती है, उन सभी को खाना वितरित भी करते हैं। कोरोना काल में हमने पुलिस के कई रूप देखे, जहां वो सड़कों पर खड़े होकर लोगों से निवेदन कर रही थी कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं एक दूसरा रूप भी देखने को मिला कि इस कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद भी करते हुए पुलिस के लोग नजर आए हैं। पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम किशोर परियार है और मैं CID थाने में हूँ। किशोर साहब, कैसे शुरुआत हुई इस मदद करने, क्योंकि बहुत सारे काम है इस कोरोना काल में पुलिस को, लेकिन वक्त कैसे मिला? एक्चुअली मैं फील्ड में नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ और ये हमारे आदरणीय थाना प्रभारी साहब खड़े हैं। एक्चुअली मैं घर पे था, ड्यूटी भी रहती है, तो पत्नी का कहना था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ क्या करें, तो मैंने घर से शुरुआत की खाना बनाने की और आज की डेट में करीबन 70 से 80 पैकेट 100 पैकेट रोज बनता है। दूसरा ये मेरे पास इतना समय रहता नहीं है, पत्नी का काम है बनाने का। मैं सुबह 9 बजे जगता हूँ, जब तक खाना बन जाता है मेरा काम रहता है बांटने का। तो नीचे एक आंटी रहती हैं, उनकी 2 बेटी हैं और उनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, उनका सहयोग मेरे जीवन में रहा है हमेशा। उनको मैं केवल इतना करता हूँ, मैं उनको खाना देता हूँ। उनके बच्चे नहीं है, 2 बेटियाँ हैं और पति नहीं है, तो वो काफ़ी मेरी मदद करती हैं और उनका सहयोग बनाने में बहुत रहता है। पत्नी के साथ उनका पूरा टाइम रहता है। खाना बनने के बाद मेरा काम रहता है आधा पौने घंटे का बांटने का, मैं खाना वितरण करता हूँ। आपके परिवार में आपके बच्चे भी हैं, तो अभी आपको डर लगा कि संक्रमण आपके बच्चों तक पहुँच सकता है? ये हमारा देश है और देश हमारा परिवार है। पुलिस परिवार के जो लोग हमने खोए हैं, हमको उनका दर्द है, या हिंदुस्तान के जो लोग गए हैं, या मीडिया हो, या डॉक्टर हो, नर्स हो, या कोई भी विभाग हो, सभी विभाग को जो लोग खोए हमने, वो हमारे परिवार के लोग थे। जब डर की बात आती है तो डर किस चीज का? डर तो उनको होता है जिनके अंदर जज्बे नहीं होते। और पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है कि पुलिस विभाग जो कर रहा है आज की डेट में, कहने को लोग कहते हैं, लेकिन पुलिस विभाग बहुत कुछ कर रहा है और मैं पुलिस विभाग के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं पुलिस विभाग में एक आरक्षक के पद पर हूँ। आर्थिक रूप से मदद की जरूरत भी पड़ती है, चूंकि हर रोज खाना बनाना है और कोरोना काल चल रहा है, दिक्कतें हैं, तो इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उन लोगों को जो इस समय मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने घर से शुरुआत की थी, आज की डेट में नाम आता है CPS ठाकुर साहब, आप वेटनरी में डॉक्टर हैं, इनका हमेशा मेरे ऊपर सहयोग रहा है, हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। ये हमारे थाना प्रभारी महोदय साहब हैं, बान सिंह यादव जी हैं, इन्होंने मुझे कई बार मार्गदर्शन दिया कि किशोर तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। एक रज्जू राय साहब हैं, लोक संचालय में डायरेक्टर रहे हैं भोपाल में, संतोष कुमार राय साहब रिटायर्ड FGO हैं, वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस समय। और उनका कहना है कि भाई आपके पास समय रहता है, पत्नी के पास समय रहता है और आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही समाज हितों के लिए, देश हितों के लिए और विभाग के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपके लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जरूरत बहुत से लोगों को है, उतनी जरूरतें पूरी नहीं हो रही? लोगों से और सभी विभाग वालों से, अपने मित्र गणों से कहना चाहूंगा कि सभी लोग आगे आए और देश हित के लिए, समाज हितों के लिए और सभी लोगों के लिए काम करें, जितना बन सके उतना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। तो देश हित में, समाज हित में किशोर काम कर रहे हैं, थाना प्रभारी साहब भी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे किशोर को लेकर, क्योंकि पुलिस के पास अभी बहुत सारी समस्या भी हम कह सकते हैं, सड़कों पर तैनात है, संक्रमण का डर भी है, इस सबके बावजूद वक्त निकालना, परिवारजनों की मदद से काम करना। हमारा आरक्षक किशोर सिंह परिवार ड्यूटी के अलावा जितना भी समय उसके पास मिलता है, मजदूर असहाय व्यक्तियों की सेवा करने में लगा हुआ है, काफी समय से लगा हुआ है। और मेरा यही कहना है कि भगवान उसको ऐसी हिम्मत और ऐसा ही उसको मार्गदर्शन देते रहे। परिवार साहब भी हमारे साथ है, वेटनरी डॉक्टर भी हैं। परिवार साहब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो दौर है, भगवान करे सो दौर कभी ना देखने को मिले। पहले के टाइम में महामारी की बात की जाती थी, लेकिन महामारी का ये रूप भी हमने देख लिया। वाकई में अपनी जिंदगी में सबने ये पहली बार महामारी का रूप देखा। इस महामारी के रूप में जो किशोर भाई काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ पर जुड़ गए और कारवा बढ़ता गया। इसी तरीके से सबसे ये अनुरोध है कि इसी तरह थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा ना कर पाए, थोड़ा थोड़ा करें,
इस तरह से पुनीत का जिन लोगों को वाकई जिनके मतलब मरीज भर्ती हैं, उनके परिजन मतलब उनकी इलाज के अलावा अपने भोजन की भी चिंता है, सब चीज है, उसमें अगर हम थोड़ा सा सहयोग कर दें तो अच्छा कार्य होगा। ये तो थे हमारे साथ किशोर और उनके साथ में जो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं वो लोग। मदद कीजिए, मदद छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन मदद करने के साथ ही सावधानी भी रखिए, क्योंकि अगर आप खुद कोरोना संक्रमण का शिकार हो जाएंगे तो जो जरूरतमंद लोग आपकी ओर एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप आएंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको बहुत निराशा होगी। तो सावधानी के साथ मदद कीजिए और कोरोना से डरिए तो साथ, लेकिन डरने के साथ अगर आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस संक्रमण से बचकर रह सकेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल।